नमो जिनाणम। दोनों हाथ जोड़िए छाती समक्ष, आंखों की पलकें बंद कीजिए। आपकी सांसें गहरी और धीमी कीजिए। आपकी सांसें गहरी और धीमी कीजिए। हे ईश्वर, हे जगदीश, आपकी कृपा से आज का ये अद्भुत दिन मिला है। आपकी कृपा से आपके चरणों में बैठा हूं। आपकी कृपा से जीवन अद्भुत जा रहा है। आप सब की कृपा से जो कुछ मिला है हमें, वो सब आपकी कृपा से ही मिला है। हे ईश्वर, सर्वजीवित तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवान, सर्वसिद्ध परमात्मा, सर्व साधु परमात्मा, सर्व माता पिता, गुरुजन, सद्गुरु भगवान, सर्व जीव अजीव, आप सब की असीम असीम कृपा से जो कुछ भी मैं हूं वो सब आपकी कृपा से है। हम पर ऐसी कृपा करो कि हम सदैव आपके बताए रास्ते ऊपर चलते रहे, मन प्रफुल्लित रहे, आनंदमय रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, इस प्रकार का जीवन हम जीते रहे, जगत को भगवत स्वरूप स्वीकारते रहे, जगत को उपयोगी बने, ऐसा हमारा जीवन बने, ऐसी कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हित करो, हित करो, हित करो, हित करो। माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। नीचे की तरफ दृष्टि करते हुए धीमे से आंखों की पलकें खोली। नमो जिनाणम। आगड़ा भी जाओ, आगड़ा भी जाओ, हाँ, कुर्सी ले ना आप। अच्छा, आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है। कुछ भी हो जाए मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर जीव, सबके साथ मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। जब भी मुझसे गलती हो, सद्गुरु की निशा में अपने आप को करेक्ट करूंगा, ईमानदारी से करूंगा,
जागृति पूर्वक करूंगा, इंटेंसिटी पूर्वक करूंगा, कंटिन्यूअसली करूंगा। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, नमो जीना। अभी की जो हमने ये प्रक्रिया की, ये प्रोसेस है, इसे कहते हैं प्रभु कृपा और जागृति व्हाट्सएप। प्रभु कृपा यानी सात हस्तियों का शरण लेना। ये सात हस्तियां के माध्यम से हम अपना वर्तमान जीवन जी रहे हैं जिसका हमें एहसास नहीं है। वो एहसास हमें हर घंटे अपने जीवन में लाना है। और मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीने का मकसद क्या है, उसे स्थिर करना है, बार बार याद दिलाना है कि मुझे हंसते रहना है, आनंद में रहना है। ये हम भूल जाते हैं। हम क्यों जी रहे हैं वो हमें याद नहीं है, नहीं रहता याद। हमारी परिस्थितियों से हम कैरी हो जाते हैं, खींच जाते हैं और उसी के अंदर घूम जाते हैं। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद स्ट्रेस, टेंशन। बराबर है कि नहीं? इसका मूल कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन? हमारे सबके जीवन में टेंशन, स्ट्रेस, घर्षण हर 5-10 मिनट में ये आते ही रहता है। उसका मूल कारण क्या है? व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल रीजन बिहाइंड दिस? ये ऐसा क्यों होता है? उसका मूल कारण क्या है? क्या अभी तक पता चला? कारण पता है? क्यों हमारे अंदर स्ट्रेस क्यों होता है, टेंशन क्यों होता है? अच्छे काम करने में भी स्ट्रेस और टेंशन होता है। अभी देखो, ये आयोजन करना था, हाँ, हजारों लोगों को बताया, लाखों लोगों को बताया, हमको कई लोगों ने बोला कि आप कितना भी बताओ सुबह सुबह लोग आने वाले नहीं है। ठीक है, ये बताया था। अभी अपना भाव क्या है? अपना भाव ये है कि बेसिकली हम जिस जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्ट्रगल का सॉल्यूशन पाना है। हम स्ट्रगल सब कर रहे हैं, सॉल्यूशन सामने पड़ा है, लेकिन हम अपने स्ट्रगल में इतने व्यस्त हैं, स्ट्रगल में व्यस्त हैं कि हमें सामने जो पड़ा है वो दिखता नहीं है और उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। तो ये हमारी हालत है। एक बड़े से महल के अंदर लाखों करोड़ों की एसेट, नौकर चाकर सब कुछ, सुख सुविधा, और उस महल के अंदर आदमी बेभान पड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? सब कुछ है हमारे पास, ये महल, ये सुख सुविधा साधन वगैरह सब है, लेकिन आदमी बेभान पड़ा हुआ है। और उस बेभानी में भी वो परेशान है, बेभान है, कॉन्शियसली दिखता है, जगत को दिखता है, दुनिया को दिख रहा है कि वो अभी शुद्धि में नहीं है, लेकिन अंदर वो अंदर ही अंदर जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ये एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है जब आदमी बेभान होता है, भान रहित होता है, चेतना रहित होता है, तब बाहर कुछ नहीं दिखता है, अंदर ही स्ट्रगल चलती है। हमारी यही हालत है। महल यानि हमारा ये मानव शरीर, और ये मानव शरीर
सोने का बनाया हुआ महल के जैसा है, लेकिन हमारी हालत क्या है? छोटी छोटी बातों में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति इसी के अंदर घूम रही है। अभी ये आएंगे तो उसके साथ ऐसा बोलना है, वो गएगा तो ऐसा करना है, ये चीज को ऐसा करना है, इसको ऐसा मैनेज करना है, उसको ऐसे रखना है, बस इसी में घूम घूम रहे, घूम रहे, घूम रहे, और ये ही हमारा स्ट्रेस है। ये होगा कि नहीं? नहीं होगा तो क्या होगा? हो गया तो क्या होगा? What are these thoughts? क्या ये हमारे हमें सुख चैन दे रहा है? ये विचार दे रहा है? नहीं दे रहा है। So what is the problem? हमारे पास सब कुछ है। लोग कहते मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। हमने फोकस बना दिया है धन संपत्ति का, और लोग की चाहना का, लोग चाहना और धन संपत्ति, ये हमारे दो बेसिक फंडामेंटल्स है। सो धन संपत्ति होना जरूरत से ज्यादा या कम, जरूरत से ज्यादा होना या जरूरत से कम होना, लोगों के साथ हमारे संबंध कम होना या जरूरत से ज्यादा होना, ये मैं आपको स्ट्रेस के कारण बता रहा हूं। जब भी हमारे जीवन में स्ट्रेस जो हो रहा है उसके मुख्य दो कारण है, धन जरूरत से कम होना या जरूरत से ज्यादा होना, अतिशयोक्ति। संबंध किसी भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप, आप कोई भी अपने संबंध है उसमें देख लेना कि आपकी अपेक्षा से ज्यादा मिल जाए तो भी प्रॉब्लम है, अपेक्षा से कम मिल जाए तो भी प्रॉब्लम है। आप टैलेंटेड हो, आप लोगों को यूजफुल बन रहे हैं, लेकिन कोई आपको भाव नहीं दे रहा है तो स्ट्रेस खड़ा हो रहा है, राइट? बराबर है कि नहीं? फिर जरूरत से ज्यादा भाव दे रहे, लोग सब उमट रहे, आपके आजू बाजू मंडरा रहे 24 घंटों, तो ये स्ट्रेस नहीं है क्या? जबरदस्त स्ट्रेस है। आपको अपना जीवन आप जी नहीं सकते। जितने भी फेमस लोग हैं उनसे पूछो, व्हाट इज प्रेशियस टू यू, आपके लिए बहुमूल्य क्या है? बोले बहुमूल्य हमारे लिए एकांत है। क्यों? क्योंकि चारों ओर घेरे हुए और बाहर को चकाचौंध जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको क्या लग रहा है? अरे इसकी क्या वाह वाह हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हमें लगता है कि नहीं, हमें ये आकर्षण है कि नहीं, तो भी स्ट्रेस है। हमारी डिजायर्स, चाहना, जिसका आकर्षण हो रहा है उस तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है। जब तक नहीं है वो भी स्ट्रेस है, आने के बाद सब लोग हमें भाव दे रहे, वो दे रहे, वो भी स्ट्रेस है। सो वी आर कंटिन्यूअस इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस का सिग्नल क्या है, सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? बीमारी, शरीर का बीमार होना, ये लक्षण है। आपको छोटे छोटे बुखार आते हैं, खांसी होती है, जो भी छोटा छोटा जुकाम होता है, सर्दी होती है, व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, माथा दुखता है, सिर दर्द होता है, बॉडी पेन्स होते हैं, शरीर के अंदर अलग अलग विभिन्न भाग में आपके बॉडी पेन्स होते हैं, ये सब क्या है? ये रिजल्ट है, ये परिणाम है। रूट कॉज कहां पड़ा हुआ है? व्हाट इज द रूट कॉज? कोई भी चीज के अंदर, हमारा जीवन जो अभी चल रहा है उसके अंदर रूट कॉज जब तक हाथ में नहीं आएगा तब तक हम घूमते ही रहेंगे। तो आज इंटरनेशनल योग दिवस है,
उसका हम आज से तीन दिन सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव करेंगे। और वो उत्सव में करना क्या है, व्हाट इज सेलिब्रेशन और उत्सव, और उत्सव में हमें करना क्या है। अभी आप लोग यहां आए, जितने लोग भी हैं, अंदर मनी मन आपके अंदर अभी स्ट्रेस चल रहा है, क्योंकि आकांक्षा अपेक्षा के हम जाएंगे, बहुत लोग हो गए, अभी बहुत लोग नहीं है उसका स्ट्रेस हो रहा है। लोगों को भीड़ में रहने की इच्छा है, जहां भीड़ होती है वहां और भीड़ होती है। अगर नहीं है भीड़ तो मुझे दो तीन लोग यहां मिले नीचे पुराने, बोले आपका पेम्पलेट पड़ा, हमारे साथ बचपन से बड़े हुए, वो नीचे से आके चले गए, बोले मिल गया बस बहुत हो गया। क्यों? अगर भीड़ होती तो वो भी भीड़ में जुड़ जाते। बराबर है कि नहीं? ये हमारी साइकोलॉजी है कि नहीं? वी आर नॉट फोकस व्हाट आई वांट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मुझे क्या चाहिए वो ही पता नहीं है। क्या प्राप्त करना है, क्यों प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है और क्यों प्राप्त करना है, ये पता ही नहीं है। तो योग का मतलब ये है कि मेरे इस जीवन में, मानव जीवन में क्या प्राप्त करना है और क्यों प्राप्त करना है और उससे जुड़ना। योग का मतलब है जुड़ना, जुड़ाव, कनेक्शन। कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद माई सेल्फ, मेरे अंदर, मेरे साथ मुझे जुड़ना है। और जुड़ के क्या करना है? जुड़ के अंदर अंदर रिसर्च करना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या पाने आया हूं और मुझे हर क्षण में किस अवस्था में रहना है। ये जुड़ान, इसी का नाम है योग। हरि हरि हंस हरि हरि अभय अभय अभय।
प्राणा।